आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी में इलेक्शन के दौरान सीएम की दूसरी बार दौरा क्या संदेश दे रहा है कि इस बार की जो लड़ाई है वो कांटे की है? ये तो आने वाला दिन ही बता सकता है कि कौन कितना मजबूत साबित होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सीएम के भिवंडी एंट्री की। शाम से ही पूरी भिवंडी में हलचल रही, ट्रैफिक वाले अलग परेशान, पुलिस अलर्ट रही और सभी सीएम के आने का इंतजार करते रहे। चाचा नेहरू ग्राउंड को पूरा सजा दिया गया था, आर्टिफिशियल पिंडार लगाए गए थे, चलता फिरता शौचालय रखा गया था, छत्रपति शिवाजी महाराज के चौक पर हाइड्रा रखा गया था ताकि सीएम शिवाजी महाराज के मुजस्मे की गुलपोशी कर सके। सीएम तो आए मगर देरी से। ये खाली कुर्सियां जो आपको नजर आ रही है, ये क्या बयान करती है? इसको देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? दरअसल ये खाली नहीं थी मगर सीएम की देरी की वजह से लोग बज्जन होकर अपने अपने घर वापस चले गए और कुर्सियां खाली हो गई। कुर्सियां खाली देख आनंद फानन में पीछे बैठे हुए लोगों को आगे बैठाया गया ताकि कुर्सियां भरी भरी लगे और ग्राउंड भी भरा भरा लगे। लेकिन इस पूरी वजह की जो मालिक थे वो सीएम थे, जिन्होंने आने में देरी कर दी। यही नहीं, इस देरी की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की गुलपोशी भी अधूरी रह गई और हाइड्रा वही की वही खड़ा रह गया और पुष्पगुच्छ सूख गए और सीएम भाषण देकर यू टर्न मारकर वापस अपने घर चले गए। सीएम के जाते ही ग्राउंड भी खाली हो गया मगर ग्राउंड की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जहां पर लोग मौजूद थे और ये वो गमछा है जो कुछ देर पहले लोग शान से अपने गले में पहने हुए थे और कुछ देर की बात की ये तस्वीर जो खुद सब कुछ बयान कर रही है।